महारानी विक्टोरिया 19वीं सदी की सबसे ताकतवर महिला थी। उनके कार्यकाल के दौरान ब्रिटेन की हुकूमत का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ। दुनिया उन्हें उनकी शक्ति, अनुशासन प्रियता, राजकाज में दक्षता और लोगों पर पूरा नियंत्रण रखने के लिए याद रखती है। लेकिन महारानी अपने जीवन के ज़्यादातर बरस अपने खोए हुए प्रेम को याद करती रही। राजमहल में रहने के बावजूद महारानी विक्टोरिया का प्रेम जीवन आम लोगों जैसा ही था। जब विक्टोरिया 17 साल की थी तभी यह तय हो गया था कि इंग्लैंड की अगली महारानी बनेंगी। कहते हैं कि उस दौरान उनकी माँ ने अपने भांजे प्रिंस अल्बर्ट को जर्मनी से बुलाया ताकि वह विक्टोरिया के साथ मेलजोल बढ़ाकर उसे अपने प्रेम में बांध सके और इंग्लैंड की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उनके मायके की तरफ चला जाए। जो भी रहा हो, एक पारिवारिक समारोह के दौरान विक्टोरिया और अल्बर्ट की मुलाकात हुई। अकेली और अलग थलग रहने वाली विक्टोरिया ने पहली नज़र में ही अल्बर्ट को पसंद कर लिया और उनके नाम तारीफ से भरे बेशुमार खत लिखने लगी। बात शादी तक पहुंच गई लेकिन तब दोनों महज 17 साल के थे, इसीलिए इस बात को टाल दिया गया। अगले ही बरस 1837 में राजा की मृत्यु हो गई और विक्टोरिया, जो कि सिर्फ 18 साल की थी, महारानी बनी। सूझबूझ से काम लेते हुए उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ को दूर किया और अपने प्रधानमंत्री लॉर्ड मेलबर्न की सलाह से राजकाज चलाने लगी। इसी दौरान वह अल्बर्ट को खत लिखती रही और 3 साल बाद दोनों की दूसरी मुलाकात हुई। अपने प्यार का इजहार महारानी विक्टोरिया ने किया और जिसे अल्बर्ट ने स्वीकार किया। महारानी विक्टोरिया ने अपनी शादी में सफ़ेद रंग की पोशाक पहनी और तब से इंग्लैंड और अमेरिका में ये परंपरा बन गई कि शादी के दिन दुल्हन सफ़ेद रंग की पोशाक पहनेगी। इंग्लैंड से बाल श्रम को हटाने में अल्बर्ट की पहल काबिले तारीफ मानी जाती है। उन्हीं बरसों में अल्बर्ट महारानी से सिफारिश करते हैं कि इंग्लैंड का राज परिवार गुलामी प्रथा को ख़त्म करके पूरी दुनिया के सामने मिसाल पेश करे। रानी से कह कहकर उन्होंने कला, साहित्य और समाज सुधारक के क्षेत्रों में काम कर रही 150 से अधिक संस्थाओं को आजीविका मदद दिलाई। यह सब वह काम बेहद शालीनता से करवाते हैं। जब महारानी अपने राजकाज में व्यस्त रहती हैं तो अल्बर्ट उनके दरवाजे के नीचे से चिट्ठियां खिसकाकर उनसे संवाद किया करते थे। अल्बर्ट की हर ऐसी हरकत पर महारानी का उनके प्रति प्रेम बढ़ जाता था। बाद के बरसों में अल्बर्ट उनके निजी सचिव बन गए। उनकी पहल से ही इंग्लैंड की संस्कृति में कई परिवर्तन आए, जैसे कि अल्बर्ट के कारण ही इंग्लैंड में और फिर बाद में दूसरे देशों में क्रिसमस के दौरान क्रिसमस ट्री को लगाकर सजाया जाने लगा। यह परंपरा जर्मन की थी, जिसे इंग्लैंड में लाने का श्रेय अल्बर्ट को ही है। दोनों के 9 बच्चे थे लेकिन टाइफाइड के कारण 1860 में अल्बर्ट की मृत्यु हो गई और विक्टोरिया तो जैसे टूट ही गई और रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया। उन्होंने राजकाज छोड़ दिया। 3 साल के लिए वे एकांतवास में चली गई और जब वे लौटी तो बेहद अलग थी, बदली हुई थी। महारानी विक्टोरिया ने कसम खा ली कि मातम के काले लिबास के अलावा वह किसी दूसरे रंग का कपड़ा नहीं पहनेंगी और यह कसम उन्होंने आखिरी दम तक निभाई। 1901 में जब विक्टोरिया की मृत्यु हुई, उन्हें अल्बर्ट के पास दफनाया गया। महारानी की आज्ञा के अनुसार अल्बर्ट की पसंदीदा पोशाक को महारानी के साथ ताबूत में ही रखा गया। तो महारानी विक्टोरिया की ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।